नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दोस्तों हो चुका है 24 सितंबर और आज कमलनाथ कैबिनेट बैठक है आज इन प्रस्तावों पर माहौल लग सकती है हम जानेंगे मध्य प्रदेश के सभी लोग जरूर देखें चलिए जान लेते हैं लेट्स गो दोस्तों अब पार्षद चुनेंगे महापौर कैबिनेट की बैठक में आ सकता है प्रस्ताव प्रदेश में नगर निगम के महापौर समेत नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब पार्षद के जरिए कराने की तैयारी है मुख्य सचिव एस आर मोहंती की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिवों की कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है अब आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है यह प्रस्ताव यदि मंजूर हुआ तो प्रत्यक्ष प्रणाली में बदलाव करने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में इस पर अध्यादेश लाया जा सकता है दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में निगम में महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव करवाने का फैसला हुआ था जबकि इससे पहले चयन का अधिकार पार्षदों को था अब कमलनाथ सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में बदलाव करने बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लेकर आ रही है कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को अनुशंसा को रखा जाएगा अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए राज्य सरकार सरकार अध्यादेश लेकर आएगी हालांकि प्रदेश ने यह संकेत पहले ही दे दिए थे कि वह महापौर अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से न करवाकर पार्षदों के जरिए करवाना चाहती है वर्तमान प्रावधान के तहत महापौर समेत नगर और नगर परिषद अध्यक्ष के लिए सीधे चुनाव होता है जनता इन्हें चुनती है लेकिन प्रस्ताव के तहत अब इनका चुनाव पार्षद करेंगे इसके लिए नगर नियम और नगर अधिनियम में संशोधन करना होगा, वहीं पार्षदों का चुनाव पूर्व की तरह ही होगा सरकार के इस कदम को लेकर भाजपा पहले से ही आपत्ति जता रही है वर्तमान में राज्य के अधिकांश नगर निगमों के महापौर और परिषद अध्यक्ष भाजपा के हैं कांग्रेस सरकार यहां अपना कब्जा चाहती है वहीं सीधे चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को नुकसान की संभावना है पार्षद चुनेंगे तो महापौर कांग्रेस का होने की संभावना अधिक है वर्तमान में 16 नगर निगम के महापौर समेत अधिकांश नगर पालिका और नगर परिषद पर अध्यक्ष भाजपा के अध्यक्ष काबिज हैं लेकिन प्रदेश में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस इन निकायों पर अपना कब्जा चाहती है तो दोस्तों जैसी कैबिनेट खत्म होगी उसमें कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए आपको जानकारी पर मिलेगी इसलिए आप बने रहें रहे हैं पर सब्सक्राइब और बैल आइकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद